अपना सर दे के मार दो। प्रसन्न प्रसन्न हो गया काफी। आई होप यू नाउ कॉलेज बड़ो सो फार सो। अब हम 12 बजे के बाद वाले टाइम में पहुंच चुके हैं शायद, और रात में ही आज हो गई है 14 तारीख, और यहाँ पे बहुत अच्छी सजावट है। सजावट देख के 3% नींद आई थी मेरे को, वो 3% भी चली गई है। अब 0.0001% नींद अभी भी है मेरे अंदर, तो वो कभी भी 100% पे पहुंच सकती है, पर हम तो चलते जाएंगे। और यहाँ की सजावट देख करके मेरा मन हो गया है अति प्रसन्न। हम तो बढ़ चुके हैं, अब यहाँ रुकने का कोई सेंस वैसे भी नहीं बनता। चाय पी चुके तो अब क्या रुके, अब फिर तो चलेंगे बहुत दूर तक, जितना दूर हम चल सकेंगे। और सामने देखो एक बहुत दूर दूसरा शिविर भी है, तो शायद ये एक गांव होने वाला है, गांव होगा तो शिविर यहाँ पे मिलते रहेंगे। उसके बाद फिर सुनसान रोड आएगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा 2-3 किलोमीटर लगभग। ज़्यादातर ऐसे ही हो रहा है, मतलब रिपीट पे, और काफ़ी रैंडम भी हो रहा है और काफ़ी रिपीट भी हो रहा है। और इस वाले पे काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ भी लगी हुई है, एकदम दिल फिर से एक बार फिर से मेरा दिल बहुत प्रसन्न हो गया। इस पूरे रूट पे मेरा दिल प्रसन्न 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 हो गया, काफ़ी नींद में हूँ फिर भी। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सजावट है, एक बार फिर से मेरा मन है प्रसन्न। ये वाला शिविर भी हम क्रॉस कर चुके हैं, अब शायद काफ़ी दूर तक हमें कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला, शिविर वगैरह कुछ कह नहीं सकते। शायद आगे गांव भी है, पर अभी व्लॉग करने की हिम्मत नहीं बची है, तो शायद अब व्लॉग नहीं करूँगा, या फिर अगर हिम्मत हुई तो कर लूँगा, ओनली फॉर यू। ओके, जस्ट अराउंड 100 मीटर वॉक के बाद हम पहुंच गए एक और शिविर पे। वो अपना क्या कहते हैं, कांवड़ झुला रहे, तो हम लोग कांवड़ को रखना नहीं बोलते इस पे, हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं झुलाना। तो सब रोड पे सो जाते हैं लोग, हम लोग भी एक रोड पे बैठ जाते हैं कभी कभार, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और हम बड़ौत पहुंच चुके हैं, 0 किलोमीटर बड़ौत। दिल्ली 65 है, पर हमारा घर दिल्ली में एंटर करते ही है, तो हम तुरंत पहुंच जाएंगे। पर रात में हर एक शिविर में शायद ऐसी लाइट लगी होती है, क्योंकि हम दिन में ही नोटिस कर रहे थे, रात में आज हमने अच्छे से नोटिस किया। अब अच्छे शिविर भी आ रहे हैं, लाइट नहीं आ रही थी। हाँ, अब लाइट आ रही होगी। जैसे ही उल्टा घूमा, हैमस्ट्रिंग और काफ वाली नस जो है ना, नस बोले तो वेंस, खिंची मेरी इतनी तेज की ऐसा लगा किसी ने सुई घुसा दी पैर में।
बड़ा तगड़े वाला दर्द हुआ। देखो ये रहा शिविर है, हाँ शिविर है। रुकने का इरादा नहीं है वैसे हमारा। पेट्रोल पंप है इधर और इस साइड है शिविर। और एक बात तुम्हें बताना, फ़ोन गिरने क्या हो रहा है, फ़ोन गिरने वाला था। मैं कह रहा था कि कई जो कांवड़ यात्री है ना पैदल वाले, मतलब जो थोड़ी रिच फैमिली, थोड़ी क्या मतलब कैसी भी रिच फैमिली से है, वो लोग क्या करते हैं, उनके फैमिली का कोई मेंबर होता है गाड़ी लेके रहते हैं साथ में। जब भी वो रेस्ट करते गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में उनका खाना पीना हो गया। शायद खाना पीना शिविर में ही खाते हैं क्योंकि शिविर का खाना एक्चुअली बहुत अच्छा है, तो वो लोग भी शिविर में ही खाते हैं। और जब सोना हो गाड़ी आती है उनकी, गाड़ी पे रुकते हैं, गाड़ी पे सोते हैं और फिर वो पैदल ही चलते हैं बस गाड़ी स्टे के लिए। ये भी मस्त है, अमीर भाई। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, वो राजपाल वाला है ना भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये सावर रखा गाड़ी में, रखा और ये रहा सावर है ना। और क्या कहते हैं, सुकून नहीं, थोड़ा सा तो फर्क, ऐसे नहीं कि बहुत आसान है क्योंकि चलते वो पैदल ही रहे, पर हाँ ये है कि मस्त आराम से रुक करके रेस्ट कर सकते हैं, बढ़िया हो गया इनके लिए। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है ये, मतलब वो डिपेंड करता है, अगर बंदा उस लेवल से नीचे आ जाएगा तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, पर हमारे लिए ये उतना मुश्किल है जिसके जितना उनके लिए वो मुश्किल है। अभी हम बड़ौत टाउन, काफ़ी बड़ा टाउन है, बड़ौत टाउन के अंदर है, काफ़ी गलियाँ है और इसको क्रॉस करने में भी एक घंटा लग जाएगा कम से कम। काफ़ी बड़ा एरिया मैप पे तो काफ़ी बड़ा लगा है, वैसे भी काफ़ी बड़ा है। अभी हमने 10% भी नहीं वॉक किया है गाँव के अंदर। और रात में का नज़ारा देखो आप, एक सेकेंड में फ़ोन को सही तरीके से पकड़ लेता हूँ, आप ठीक है ना। रात का नज़ारा, सामने एक पुलिस वालों ने अपना वो लगा रखा है टेंट जैसा, ये भी आगे रिस्क नहीं ले सकता हूँ। ये देखो क्या है भाई, ब्रो पता पता ब्रो गुस्से में देख रहा है। अरे तेरे दोस्तों को पार्ले जी खिलाता यार मैं, वो बंदर भी है ऊपर, देखो बंदर और भी बंदर है। और ये फैमिली है पूरी, देखो ग्रूमिंग चल रही है, साफ सफाई। और यहाँ पे ब्लैक डोगो और ब्राउन डोगो, डोगो डोगो। अरे यार ये सब लोग इतना इग्नोर क्यों करते, ये देखा ना हैंडसम बॉय, हैंडसम लग रहा है एकदम भाई, यार इतना इग्नोर क्यों करते ये लोग। और जो बंदा इनको इग्नोर करता है उसके पीछे पड़ जाते हैं काटने के लिए, इधर मैं अटेंशन दे रहा हूँ भाव नहीं दे रहे, हद है यार। एक डोगो ये इस दुकान पे सो रहा है देखें, और ये तिरंगा कलर की लाइटनिंग हो रखी है, कहीं कहीं तो बंद है कहीं कहीं तो चल रही है। और आगे पुलिस वाले ने हमें बोला है कि 200 मीटर पे एक शिविर है, तो हम वहाँ रुकने वाले हैं। फिर पवन डिसाइड करेगा कि हम सोने वाले हैं या फिर आगे चलने वाले हैं। तेरा कांवड़ का स्टैंड, यहाँ पे हम कांवड़ को झुला देंगे और वहाँ पे सब सो रहे हैं। अभी हम देखते हैं, अगर चाय मिल गई तो मैं चाय पीऊँगा, चाय पीऊँगा ना, मेरा मेंटल स्ट्रेस कम नहीं होता है और फिर अपन सो जाएगी। हमारे जैसी कांवड़ है, लगभग लगभग कलर अलग है, वो वाइट वाली कांवड़ भी अच्छी लग रही है ना। अब बस हम यहाँ पे सो जाएंगे, ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म नहीं करूँगा मैं, फिर बार वही वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। चले बोले दीदी जगह कोई कॉलेज या स्कूल है, देख के लग रहा है बाहर में, मैंने बोर्ड पे ध्यान नहीं दिया तो यहाँ का स्ट्रक्चर देख के तो ऐसे ही लग रहा है। बाकी मैं सुबह में आपको दिखाऊंगा जब मैं नहाने आऊँगा। तो मैंने चाय भी ले लिया, टॉयलेट भी होया, सुबह मैं आपको दिखाऊंगा कि ये स्कूल है कॉलेज। और अब मैं चला सोने, ये मेरी सीट राइट वाली, लेफ्ट वाली पवन की सीट, और कुछ इस तरह से सब देखते हुए
इज अप देवी और सज्जनों, तो स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। आई होप ये नया व्लॉग हो अगर मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ तो। और अभी हम रुके जो रात में मैंने दिखाया था दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत में, और अभी मैं नहाने के लिए आया हूँ। मैं नहा के जा चुके हैं, यहाँ पे लाइट नहीं है, इन ड्राम्स में पानी भरा हुआ है, इन ड्राम्स में से पानी निकाल के अभी मैं नहाऊंगा बाल्टी से। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है कॉलेज, बहुत ही पीसफुल है फिलहाल। बच्चे होते हो तो पता नहीं कैसा होता होगा, बच्चे मतलब वही जो भी स्टूडेंट्स होते हो। यहाँ पे गुलाब के पौधे लगे हुए, पिंक वाले गुलाब के पौधे तो सारे ख़राब से हो गए। मुझे ये वाला पौधा पसंद है बहुत, इसकी पत्तियाँ ना प्लास्टिक जैसी लगती है। हमारे स्कूल में होता था ना तो इसी की पत्तियों को एक डंडे के बीच में काट के इस शेप में लगाते थे, ऐसे 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 ऐसे, और उससे क्रिसमस ट्री बनाते थे छोटा मॉडल। आपको मैं वाइट गुलाब की पत्तियाँ दिखाता हूँ, वो पत्तियाँ नहीं मतलब गुलाब के फूल। बस अब धुन में से कोई खटेगा भाई, फिर मैं जाके स्नान करूँगा। स्नान बोले तो बात, बात बोले तो नहाना, नहाना बोले तो, नहाना बोले तो पानी डालना, क्योंकि फेस वॉश साबुन हम यूज़ नहीं कर सकते, आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, ये रूल है। बस गमछा लपेट के टहल रहा हूँ, यहाँ पे ठंडी हवा ले रहा हूँ, अच्छे मौसम को इन्जॉय कर रहा हूँ। और जो कुछ दिनों के लिए मेरी टेंशन चली गई है इस वॉक की वजह से और इस ट्रिप की वजह से, ट्रिप कह सकते हैं पर हम पैदल घूम रहे हैं, तो पैर सारा फोकस पैरों के दर्द पे है, तो सारी टेंशन, सारे काम की टेंशन सब जा चुका है मेरे दिमाग में से फिलहाल। ये कितना अच्छा है। और वहाँ पे सरस्वती माता की मूर्ति, यहाँ पे भी कुछ है, पर मेरे पास अगर आज टाइम होता तो मैं यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करता। वो ये देखो पिंक वाले फूल, ये तो वो वाले जो सिर्फ धूप में खिलते हैं, अभी पता नहीं कैसे खिले। नहीं नहीं अलग है, अलग है, अलग है, वो येलो भी होते हैं ना, वो वाली बात कर रहा हूँ। और एक फाइनली सिर्फ एक गुलाब का फूल मेरे को पिंक वाला खिला हुआ मेरा। चलो अब मैं नहाता हूँ और फिर इस शिविर को अलविदा कहते हैं जो कि इस कॉलेज में स्थित है, जिसका नाम है दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था। देखो गैलरी, सब ना चाय वाय पी के और कुछ भी खा के कहीं पे भी फेंक देते हैं, ये चीज़ बड़ी बेकार लगती है। हाँ डस्टबिन ढूंढ के फेंकता हूँ हमेशा, बाकी लोग कई लोगों को बोलता भी हूँ, कई लोग सुन भी लेते हैं पता है, मान जाते हैं। और अब मैं कुछ बोलने वाला था इम्पोर्टेंट, कि एक बार याद करता हूँ फिर मैं आता हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि आज है फ्राइडे 14 जुलाई, सुबह के 6:30 बजे है, तो ये सारी चीज़ें बताने रहना इम्पोर्टेंट है व्लॉग में, क्योंकि मैं एडिट करते वक्त भी मेरा माइंड चला जाता है ना डेट्स और टाइम पे, तो मैं इजीली उसको क्या कहते हैं उसको अरेंज कर सकता हूँ आगे पीछे, ताकि एडिटिंग अच्छे से हो, नहीं तो फिर फोल्डर्स में जाके इंफॉर्मेशन पे जाके चेक करना पड़ता है कि ये कब की वीडियो है। अच्छा लग रहा है। और अब मैं जा रहा हूँ नहाने। चलो सो फार सो गुड इन मुंबई कार्निवल्स स्टाइल। गरम पट्टी देख रहे हैं हम, किसी शिविर पे मिल जाए, महंगा पड़ता है इसलिए नहीं रखता। और मैं गरम पट्टी की ज़रूरत है, अब लगता है मुझे मेरे पैर आज जवाब दे देंगे, लेकिन मैं लगाऊंगा तभी अगर फ्री में मिलेगी, नहीं तो लगाऊंगा ही नहीं। पर कोई बात नहीं,
हम निकल चुके हैं अपने शिविर से जो कि बड़ौत में था। अब हम बड़ौत को क्रॉस करेंगे और बागपत होते हुए, शायद हम बागपत होते हुए जाएंगे या फिर नहीं भी, क्योंकि उससे पहले एक गाँव है सीसोना नाम से, जहाँ से अगर हम राइट लेते तो हमें 1 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। पर हमारे जो गांव है जो कि नरेला टाउन है, वहाँ के लोग वहीं से जाएंगे शायद, अगर नहीं भी जाएंगे तो फिर हम सबके साथ चलते जाएंगे और पहुँच जाएंगे।